नमस्कार, जोहार, आदाब। यहाँ झील परिसर में उपस्थित हूँ और बड़ा सा दस्तरखान इस बार झील परिसर में लगा है, आपको दिखाना चाहूंगी। काफी मनमोहक दृश्य है। अजान की आवाज बस कानों में आने को है और सभी जो मुस्लिम भाई हैं हमारे, वो लंबे से दस्तरखान के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होके बैठ गए हैं। इसकी खासियत आप लोग लगातार पूछते रहते हैं, तो एक खासियत हजारीबाग अपडेट्स बताना चाहेगा। इतने बड़े स्थान में हर दस्तरखान को बिछा करके, एक साथ एक दस्तरखान का निर्माण करके, बिना किसी तरह के विभाजन के लोग एक साथ यहाँ पे बैठते हैं और यही इसकी खासियत है, यही इसकी खूबी है। और चूंकि ये खासियत किसी घर या छोटे से पंडाल में पूरी नहीं की जा सकती है, और इस वजह से ये जो आयोजन है वह सड़कों के किनारे इस तरह से वर्षों से आयोजित होता आ रहा है। रमजान का पावन महीना चल रहा है और आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे से लेकर युवा, बुजुर्ग और हर तरह के लोग बिना किसी विभाजन के, जैसा मैंने कि कहा, ना कोई ऊंच ना कोई नीच। और यहाँ तक कि ऐसा नहीं है कि ये मुस्लिम भाई बहनों का पर्व है, तो यहाँ पे आपको कई हिंदू भाई बहन भी मिल जाएंगे। यहाँ कभी कई हिंदू भाई से भी आपकी मुलाकात कराऊंगी। आप देख सकते हैं कैसे लोग जो है दुआएं मांग रहे हैं। अजान का जो वक्त है वो बताया गया है 6:10। जैसे ही अजान की आवाज मुस्लिम भाइयों के कानों में पड़ेगी, वे दुआएं लगातार मांग रहे हैं। और इसके बाद खजूर, क्योंकि काफी शुद्ध और पावन माना जाता है इसमें, उसका सेवन सबसे पहले करेंगे और उसके बाद जो तरह तरह के व्यंजन आपको नजर आ रहे हैं। आपको बता दूं कि मददगार बॉयज ग्रुप की तरफ से ये आयोजन हुआ है और मददगार बॉयज के जो डायरेक्टर हैं जावेद जी, आप देख सकते हैं उनको तस्वीरों के माध्यम से। टाइम हो गया, टाइम वक्त बिल्कुल अजान का हो चला है। ये आयोजन जो है वो यहाँ पे झील परिसर, जो हृदय स्थलीय है हजारीबाग की झील, इस परिसर में इसका आयोजन हो रहा है, त्रिमूर्ति चौक के बिल्कुल पास। और लोग दुआएं मांग रहे हैं, देख रहे हैं आप किस तरह से। और एक दफा और बता दूं कि इसकी खासियत ये है कि अलग अलग दस्तरखानों को एक साथ बिछाकर एक दस्तरखान का निर्माण होता है और सभी तरह के लोग, सभी वर्ग के लोग यहाँ पे आराम से बैठते हैं, एक साथ बैठते हैं। और दिन भर के रोजे के बाद, फास्ट के बाद वो लोग भोजन ग्रहण करते हैं। बिना पानी, बिना भोजन के सुबह से रहते रहते, सुबह के सहरी के बाद, यही वो वक्त है। 6:10 का वक्त आज का बताया गया है। अजान की आवाज़ के बाद वो लोग अपना रोज़ा खोलते हैं। क्या कुछ रमज़ान की महत्ता है, आप सब कभी कहीं जाइएगा नहीं, रमज़ान की क्या महत्ता है। शब कदर आप सभी ने सुना होगा, रज्जगा जिसे कहते हैं हम लोग अपनी भाषा में, उसका क्या महत्व है, और भी जो चीज़ें होती हैं उसकी क्या अहमियत है रमज़ान में। एक पूरे महीने का रमज़ान होता है। मुस्लिम भाई बहन जो हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वो भी पूरे महीने फास्ट करते हैं, जो सक्षम हो करने में। क्या कुछ इसकी महत्ता होती है, ये सभी पूछी जाएंगी यहाँ से। बस अजान का वक्त हो चला है, सभी देखें, सभी अजान हो गई और सभी ने ग्रहण कर लिया भोजन। दिन भर के रोजे के बाद देख सकते हैं कैसे मुस्लिम भाई लोग हमारे जो हैं, वो खजूर के बाद जल का और जो फल फलेरी और जो भी भोज्य पदार्थ यहाँ रखे गए हैं, उन सभी को ग्रहण कर रहे हैं।
काफी मनमोहक दृश्य है ये झील परिसर में, और यही तो हमारे भारत को और खूबसूरत बनाती है। ये जो कई तरह के धर्म, अलग अलग तरह की संस्कृतियां हमारे भारत को बाकी देशों से अलग बनाती है, यही वो खासियत है, इसी को बचा के रखने की आवश्यकता है। आइए जरा करीब से देखें। देख सकते हैं यहाँ से वहां तक बिल्कुल एक ही दस्तरखान बिछाया गया है, और बच्चे, बुजुर्ग, युवा, सभी की ये पहल है और सभी एक साथ मिलकर के अजान के बाद, दिन भर के रोजे के बाद भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और बता दूं, मददगार बॉयज ग्रुप की तरफ से ये आयोजन किया गया है झील परिसर में। आइए अब कुछ लोगों से जो है बातचीत करते हैं। शमीम भाई कहाँ गए? यहीं पे। अच्छा, सबसे पहले तो ये देखिए, ये प्रेम आप लोग देख रहे होंगे। पानी ला रहा है। अरे इनका रख दिया था। अरे मोबाइल रहा है। देख सकते हैं एक दूसरे को जो है रोजा इन्होंने एक दूसरे का खुलवा लिया है। ये मतलब सभी अपने अपने हाथ से खोल रहे हैं, आप लोग एक दूसरे के हाथ से क्यों? देखिए दरअसल रमजान एक ऐसा महीना होता है और ये रहमत का, बरकत का महीना और एक मोहब्बत का भी महीना होता है, तो इसमें आपसी भाईचारगी के साथ साथ एक मोहब्बत का पैगाम भी होता है, और यही वजह है कि आप देख रहे होंगे कि चाहे किसी भी समुदाय, किसी भी धर्म, किसी भी जाति से लोग रहते हैं, एक ही दस्तरखान पे एक ही साथ बैठकर, चाहे वो किसी तबके से हो, गरीब हो, अमीर हो, ऊंच हो, नीच हो, सब एक जगह पे बैठ के खाते हैं। ये पैगाम देता है एक समानता का, ये पैगाम देता है एकता का, ये पैगाम देता है मोहब्बत, चैन, सुकून, अमन का। तो इसीलिए रमज़ान सभी महीनों से अफजल महीना माना जाता है। अच्छा, शबे कदर के बारे में हमने सुना है, उसके बारे में क्या? देखिए शबे कदर जो है कुछ खास रातें होती है, उसमें खास रात शबे कदर को माना गया है। शबे कदर के बारे में कहा गया है कि शबे कदर की जो रात होती है वो काफ़ी अन्य जो सामान्य रातें होती है उससे वो अफजल रातें होती है, और वो रात इतना अफजल होता है कि अगर उस रात में इबादत की जाए तो वो अल्लाह तबारक व तआला वो सबसे ज़्यादा पसंद है। और बताया जाता है कि रमज़ान में शबे कदर की रात जिसने पा ली और जिसने इबादत दिल से कर ली, सिद्क दिल से, तो उसकी गुनाहों की माफ़ी हो जाती है। तो लेकिन इसमें एक चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो गुनाहों की माफ़ी की बात है कि जब अगर दिल से कोई अपना कोई गलती हो गई है तो अगर वो दिल से तौबा ये सोच के करे कि ताज़ ज़िंदगी, मतलब कभी भी ऐसी गलती वो दोबारा नहीं करेंगे, तो उससे हम तौबा का नाम देते हैं। तौबा का मतलब आइंदा ज़िंदगी में कभी ऐसी गलती वो रिपीट ना करे, तो ऐसे में माफ़ी की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है, और यही वजह है कि ये तौबा करने की रात होती है। लोग अपनी गुनाहों से तौबा करते हैं, चूँकि इंसान है तो गलतियों का पुतला है, तो जाने अनजाने में कई गलतियां हो जाती हैं, तो उन गलतियों से तौबा के लिए लोग जो है उस रात में इबादत करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो गुनाह से पाक हो और एक अच्छी ज़िंदगी, बेहतर ज़िंदगी गुजारे, ताकि उसकी जो ज़िंदगी है यानी दुनियावी ज़िंदगी वो भी बेहतर हो, और जो मरने के बाद की जो आखरत वाली ज़िंदगी हमारे यहाँ बोला जाता है वो भी बेहतर हो। और कुछ बताएंगे इधर? जी जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम भाई। शमीम जी हमारे साथ थे, आप सभी के जाने माने चेहरे हैं, ये जान रहे हैं आप। इस तरफ भी बात करना चाहेंगे, सबसे पहले इधर आपका नाम क्या है? जी दानिश अहमद। दानिश से बात करेंगे अभी, क्या इस पावन महीना जो एक महीने का त्योहार है रमजान, क्या इसकी महत्ता है हमारे दर्शकों को बताइए, इसको पकड़ लीजिए। ये रमजान हमारा एक महीना जो होता है ये हमारा इबादत का महीना होता है। इस महीने मतलब हम लोग सारा जितना भी हमारे अंदर की बुराई जो भी होती है
मतलब जो लोगों का अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो हम लोग जो 11 महीना जो हमारे अंदर बुराई रहती है, जिस तरह से हम लोग घूमते फिरते हैं या माहौल में उठते बैठते हैं, ये एक महीना हम लोग अपने आप को अल्लाह के अपने खुदा के राह पे लेके चलते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि हम लोग ना किसी तरीके का मतलब कोई बुरा चीज़ कर सकते हैं, ना किसी तरीके का सोशल में कोई वैसा कुछ, समाज में कुछ वैसा नहीं। नहीं मैडम, कोई महीने ऐसा नहीं है कि किसी भी महीने ऐसा करने का, मतलब इस मंथ में हम लोग अपने आप को पांचों वक्त का नमाज पढ़ने का ये रखते हैं, मतलब हाँ जी सुधार करने की कोशिश करते हैं बस। तो अपने क्या हिंदुस्तान में मैडम हर कोई अपना है, हिंदुस्तान में सब हिंदू मुस्लिम सब अपना है, सब हम लोग भाई भाई है, कोई किसी के दिल में किसी के लिए किसी कोई भी हिंदू मुसलमान के लिए किसी के लिए बैर नहीं है। हमारे अभी यहाँ पे जो जितने ही बैठे हुए हैं यहाँ पे हिंदू मुसलमान सभी लोग ठीक है। हाँ अभी हमारे बीच में समाज से भी हमारे चरका गोप भी हैं या ऐसे, हाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे बीच में हैं। इसमें हर कोई सर का शिरकत ले सकते हैं मैडम। शुक्रिया, बहुत अच्छा कहा आपने। अब यहाँ भी कुछ लोगों से, भैया आपके पास भी आएंगे हम। मददगार, हमारा कमेटी का जो नेम है वो टीम मददगार बॉयज है, उसका हैशटैग इंस्टाग्राम पे TMB के नाम से चलता है। और कमेटी का मेंबर बहुत सारे लोग है, ये फेस है उधर, बहुत फेस है उधर, है हमारे राहुल भाई है, बहुत है हमारे जावेद भाई है, हैदर अली है। ये मैडम अभी दो तीन साल, मतलब 2016 तक में चल रहा था, 16 में चल रहा था, 16 के कोविड की वजह से हम लोग 2 साल गैप किए थे, जिसमें ना दाता मदारसा का उर्स भी नहीं निकला था और ना उसके बाद बहुत सारा चीज भी हम लोग रोक दिए थे। ठीक है मैडम, ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पे आप लोगों को भी ललक होगी जानने की कि मुसलमान भाइयों के अलावा बाकी जो हमारे भाई लोग हैं वो क्या कहना चाहते हैं जी। आप किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, लेकिन हमारे दर्शकों को एक दफा अपनी परिचय दे दें। और मेरा नाम रविकांत सिंह, प्रमुख सदर। और आप इस रमजान पर्व पावन त्योहार में यहाँ पे इफ्तारी के लिए आए, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए एक्चुअली क्या है ना कि घर में दो भाई हैं और लड़ते तो क्या होता है, प्रगति नुकसान होता है, शिक्षा का नुकसान होता है। तो हमारा हिंदुस्तान आपस में लड़ेगा तो आगे नहीं आ सकता। अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है तो हम लोग को मिल करके अच्छाई का काम करना होगा। मैंने वो प्रश्न तो आपसे पूछा ही नहीं, मैंने पूछा आपको कैसा महसूस हुआ। मेरा तो बहुत अच्छा लगा हमको, और हमेशा इस तरह का हम प्रोग्राम में आते हैं, इफ्तार पार्टी में हम आते हैं और हम लोग कराते भी हैं। कुछ हमारे साथ दुखद घटना हो गया है, हमारे एक बहुत क्लोज बड़े भाई हैं, उनका कुछ हादसा हो गया है घर में, इसलिए हम लोग इस पार्टी इस बार लालपुर चौक में हम लोग कराते हैं, इस बार नहीं कराए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे आप भी अपना परिचय दे दें। युवा जिला अध्यक्ष राजत हजारीबा। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बधाई। आपको कैसा लग रहा है इफ्तार में आकर के? युवा हैं आप और इस तरह से अभी से मिलनसार हैं, कैसा प्रतीत हो रहा है? ऐसा प्रतीक क्या, ये प्रोग्राम भी हम ही लोग आयोजन किए हैं और मददगार ग्रुप के तरफ से किए, क्योंकि कोई बैनर पार्टी के तले इसलिए नहीं किए, क्योंकि बहुत से ऐसे समाज सेवी लोग हैं, बहुत से ऐसे व्यक्तिगत लोग हैं जो बैनर तले बहुत प्रोग्राम में नहीं जाते हैं, इसलिए हम लोग मददगार ग्रुप के तरफ से किए और एक राजनीतिक पार्टी को सामने नहीं लाए, क्योंकि राजनीति में तो हम भी हैं, इसलिए राजनीति पार्टी को सामने नहीं लाए कि ताकि ये ना लगे लोगों को कि ये पार्टी इस कार्यक्रम में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है या इसमें, इसलिए कोई भी समुदाय के लोगों को या कोई भी ठेस ना पहुँचे, इसलिए हम लोग मददगार ग्रुप की तरफ से ये प्रोग्राम का आयोजन किए। और ये प्रोग्राम का संदेश ये भी है कि हम लोग एक लाख लड़ ले, लाख हम लोग में कोई नेता फूट डाल दे, लेकिन हम लोग कभी अलग नहीं हो सकते। ये देश ही हमारे हिंदू मुसलमान भाई सिख ईसाई सब मिलके हम लोग रमजान भी मनाते हैं, यही तो खासियत है ये देश की कि रमजान भी इस देश में हम लोग सब साथ में एक दस्तरखान पे अगर बैठ के मना रहे हैं, तो रामनवमी भी हम लोग एक साथ हम लोग जुलूस में शोभा यात्रा में शामिल होकर मनाते हैं, यही इस देश की खासियत है। बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे कोई और कुछ बात करना चाहते हैं जावेद जी, जो मददगार ग्रुप से जुड़े हुए हैं? बहुत लोग हैं मैडम, यहाँ सरफराज आलम है, सरफराज अहमद। आप बोलिए भैया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है कि ये लोग कर रहा है यहाँ पर, हमेशा 2016 से दानिश जी, जावेद,
ये सर फरहान ये सब मिलकर बहुत दिनों से कर 2016 से कर रहा है। 2016 में हम लोग का बंद हो गया था कोविड की वजह से। और यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम दोनों, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम पिछले साल में हम लोग किए हुए थे। नाम इंट्रो दो ना पहले। मैं शाहनवाज अख्तर, पिछले साल भी हम लोग किए थे, 2016 से हम लोग चला रहे हैं, पिछले साल भी किए थे। और ये हमारे मददगार ग्रुप के जावेद भाई, जावेद भाई भी कर रहे हैं, लीजिए इनसे बात कीजिए। जावेद जी हमारे साथ हैं, मददगार ग्रुप से जुड़े हुए हैं इन्होंने और इनके सभी लोगों ने, साथी ने मिलकर के इस आयोजन को साकार कर दिया। अजान हो गई और निवाला भी मुंह में अब चला गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? फिलहाल तो सुबह से बहुत परेशान है इसके लिए लेके, अभी तो खैर रमजान का समय था, अभी तो अफ्तार को हम लोग खोल लिए, रोजा खोल लिए हुए हैं। जितने भी भाइयों हैं बहुत मिलजुल के यहाँ पे मेहनत किए हुए हैं हम लोग, तो ये चीज़ 2016 में भी प्रोग्राम किए हुए थे, कोविड की वजह से बंद हो गया। 2016 के बाद बंद हो गया था, मतलब कोविड की वजह से थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए ये बंद था। माहौल थोड़ा सा मतलब कम था उस समय, धीरे धीरे अभी देख रहे हैं उसे भी बढ़ चढ़ चढ़ के लोग सहयोग कर रहे हैं। लग तो रहा है कि हमेशा सहयोग इसी तरह मिलते रहे और हम लोग मिलजुल के यहाँ पे, हम लोग में कोई भेदभाव भाव नहीं है, लेकिन हमारे बीच सब हम लोग मिल के सनी भाई हुए हैं, ये ठीक है, सब मिलजुल के हम लोग ये प्रोग्राम मना रहे हैं। हिंदू मुस्लिम कोई तरह का हम लोग को कोई तरह का भेदभाव नहीं है, सब बैठ के अवतार किए हैं एक साथ मिल के, हम लोग भाई भाई मिल के एक थाली में अवतार खोले हुए। जो देखने को ये भी मिला कि ना ही सिर्फ मुसलमान भाई लोग बल्कि हिंदू भी थे हमारे बीच में और शायद ईसाई भी कोई थे, ईसाई भी कोई थे हमारे बीच। तो इस चीज को फिर से, जो कि खासियत है भारत की, उस चीज को साकार करके अलग सी क्या अनुभूति हो रही है? जिस तरह का हर एक साम्राज्य या हर एक कोई राजनीतिक दल में जिस तरह का फूट डालो और शासन करो की जो नीति चली आ रही है अंग्रेजों के द्वारा जो चलाई गई थी हमारे भारत में, क्योंकि खासियत ही यही है भारत की, तो इस चीज को लेकर के क्या अनुभूति हो रही है अलग सी? एक दस्तरखान पे एक मैं पकड़ लेती हूँ, आप बोलिए भैया। एक दस्तरखान पे बैठ के सभी लोग एक साथ एकजुटता का पहचान कायम हुआ है, जो अभी माहौल बना हुआ है आपसी भाईचारे की जो खराब हो रहा है, वो आज हम लोग यहाँ पे साबित करके दिखाते हैं कि हम लोग सब एकजुट हैं और एक साथ में है, किसी के बहकाने पे हम लोग नहीं आ सकते और हम लोग सब एक साथ में है। अभी हाल ही में रामनवमी भी गुजरी जो हिंदुओं का पर्व त्योहार है, लेकिन उसको मिलजुल करके मुसलमान भाई लोग और जितने भी धर्म के भाई बहन थे यहाँ हम लोगों के, हर्ष अजमेरा भी थे, वो भी हिंदू नहीं है लेकिन फिर भी उन्होंने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो उसके बाद अब फिर रमजान आया है ना, तो जिस तरह से हजारीबाग की कहीं कहीं जो अच्छाई है वो झलक जाती है। मैं खुद रोजा रख के अब मुझे लगता है कि दो दिन तक रेगुलर मेहनत करके रामनवमी का प्रोसेशन पास कराने में बहुत योगदान रहा और आज शांतिपूर्वक रामनवमी ढंग से मना लिया गया, बिल्कुल शांतिपूर्वक। अच्छा, शबे कदर के बारे में हम लोगों ने सुना है, हमारे हजारीबाग अपडेट्स के जो दर्शक है वो भी जानना चाहते हैं कि 27वें रोजे से इसकी शुरुआत होती है और इबादत होती है पूरी रात और वो एक पल या एक क्षण आता है। आप सभी के प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था कि वो एक क्षण आएगा और उस क्षण में आपकी वो जो इबादत है, वो जो दुआ है, वो जो प्रेयर प्रार्थना है, वो पूरी हो जाएगी अगर सच्चे मन से और इंसान जमीर के साथ अपने अगर मांगी जाए तो। तो ये कब से इसकी शुरुआत है? चार शबे कदर की रात होती है, 21 रमजान और 23 रमजान और 25 रमजान और 27 रमजान, जो आज 27 रमजान है वो कल से ही चालू हो गया और आज तक रहेगा। और ये चार शबे कदर की रात में किसी भी दिन दुआ कबूल हो सकता है, इसलिए शबे कदर रात में हर रात में जाग के और दुआ और इबादत किया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद सरफराज अहमद, झारखंड मुक्त मोर्चा, यूआई रहता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं और आपस में हम लोग हमेशा मिलजुल के ऐसा ही मनाते रहे, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। यहाँ देख सकते हैं दस्तरखान जो है वो अब खाली हो गया है और अब यहाँ पे जो है सब लोग जो है उठ चुके हैं यहाँ से भोजन ग्रहण करके। आपने देखा कि होली, छठ पूजा, रामनवमी के बाद रमजान का पावन महीना लगातार चला यहाँ पे और चल रहा है अभी। शबे कदर की रात के बारे में आपने जाना, ये जो लंबे दस्तरखान सड़क पर क्यों बिछाए जाते हैं इसके बारे में आप सभी ने जाना और आप लोगों को जरूर अच्छा लगा होगा। ये जो अभी लाइव सेशन था, इतना खूबसूरत नजारा था, इतना मनमोहक नजारा था कि किसी भी तरह के विभाजन को दरकिनार करके यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई,
ऊंच नीच हर चीज को दरकिनार करके सभी भाईचारगी के साथ एक ही दस्तरखान पर बैठे थे और दृश्य आप देख सकते हैं, सभी ने एक साथ परोसा, सभी अब एक साथ दस्तरखान को उठाने में मदद करेंगे और यही तो है भारत की पहचान, यही तो खासियत है भारत की। बाकी और देशों की ये खासियत कहाँ है कि हर तरह के धर्म, इतने सारे धर्म, इतनी सारी संस्कृतियाँ, जहाँ हर 10 किलोमीटर पे जा करके जो है भाषा बदल जाती है, उसका लहजा बदल जाता है, और वहाँ पे अगर इस तरह से मिलजुल करके रामनवमी इतने शांतिपूर्ण तरीके से बीता और अब रमज़ान इतने अच्छे से गुजर रहा है, सभी मिल करके योगदान दे रहे हैं अपना इसमें। और अब इसी के साथ इजाज़त दें क्योंकि शाम की बेला आ चुकी है और दस्तरखान भी अब उठने को है यहाँ पे, रमज़ान का महीना भी, अब ईद उल फितर भी आने को है। तो यहाँ पे एक बार और बता दूं आपको कि मददगार बॉयज़ ग्रुप्स की तरफ से ये आयोजन किया गया था आपके झील के त्रिमूर्ति चौक के पास। और इस तरह से हजारीबाग अपडेट्स को भी अपना प्यार देते रहें क्योंकि घुमा फिरा के तो मैं वहीं पे आती हूँ, क्योंकि आप लोगों की ही बदौलत हम लोग हैं हजारीबाग अपडेट्स, ये जो बार बार अपडेट देता है या सूचनाएँ आप लोगों तक पहुँचाता है, ये सिर्फ इस वजह से ही पहुँचाता है कि आप देखें इसको। तो इसी तरह से अपना प्यार इसको देते रहें और आप इजाज़त दें और ईद का मार्केट आपको दिखाने के लिए, जैसे पिछली बार पिछले वर्ष हम लाए थे कोविड के बाद, बहुत अच्छा मार्केट था, बहुत अच्छी बिक्री हुई थी लोगों की और बहुत खूबसूरत खूबसूरत जो है कपड़े और जूते और हर तरह के ऑफर्स जो भी आए थे हमने दिखाया था आपको, इस बार भी जल्द ही आपको दिखाया जाएगा। आपको भी, आप सभी को भी रमज़ान का महीना हजारीबाग अपडेट्स की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया।